कंप्यूटर ये डायनामाइट लगा के तो अभी आने नहीं देंगे आपको। आप अगर वहाँ सोते दीवार में कुछ उसके फोटो खींच बस खत्म है वो तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब और खतरा होगा, अब खतरा होगा, खतरा हो गया, टंकी हिली, टंकी हिली, अब वो खतरा होगा। ट्रेन का महापौर जी ने दबाया था, महापौर जी तो गाड़ी में बैठे जाते जाते टंकी जो पंजाब विभाग अभी हमने विस्फोटक की सहायता से तोड़ी है, ये लगभग 35 वर्ष पुरानी थी और इसकी क्षमता 1,00,000 लीटर थी। पिछले एक वर्ष से ये टंकी काफी खतरनाक हालत में होने के कारण इसमें पानी भरना बंद कर दिया था एवं इसको एमएससीटी के वरिष्ठ प्रोफेसर से चेक करवाया था और उन्होंने सुझाव दिया कि ये टंकी काफी जीर्ण शीर्ण हालत में है एवं इसको कभी भी दुर्घटना हो सकती है, अतः इसको तोड़ दिया जाए। तो हमने इसको तोड़ने के लिए टेंडर बुलाए और इंदौर के एक फर्म ने नगर निगम को 1,88,000 रूपये हमको इसको टंकी तोड़ने के बदले में दिए हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी कि टंकी में जो भी लोहा निकलेगा, लोहा या मलवा, वो सब ठेकेदार का होगा, तो उसके बदले में हमको 1,88,000 रूपये दिए हैं। और हमने कंट्रोल माइनिंग इंजीनियर जो हैं मिस्टर सरवटे सर आ जाइए, जो कि जाने माने इसके विस्फोटक के विशेषज्ञ हैं, इनकी सहायता से ये आज 3 बजे इस टंकी को ध्वस्त किया है। इसमें बड़ी खुशी की बात है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, ना ही किसी को। कोई हमारे माइनिंग एक्सपर्ट थे मिस्टर सरवटे जो कि इंदौर से आए हैं, इनके मार्गदर्शन में बड़ा सफल हमारा ऑपरेशन रहा है। एक्चुअली कल जब हम लोगों ने ड्रिलिंग किया तो ये पता नहीं था कि नीचे वाले कॉलम में जो किया है वो केवल सीमेंट है या उसमें कंक्रीट भी है। जब आज ब्लास्ट हुआ तो उसमें सरिये और वो निकले जो कि पहले से पता नहीं था, उसके कारण पहले वाले इसमें गिर नहीं सकी। इसलिए जब ब्लास्ट होने के बाद जगह मिली उसमें हमने करीब 6.5 किलो बारूद डाल के उसको पूरा करके नीचे गिरा दी। इसका मेन पार्ट ये था कि आसपास में मकान होने के कारण हम ज्यादा बारूद यूज नहीं कर पा रहे थे और जो टंकी है वो तो गिरनी जरूरी थी, उसके पांडा विशेष की हाइट भी ज्यादा थी, तो उन दिक्कतों को देखते हुए इसको गिरा दिया गया।